नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रमोट यूपी डीएलएड योगी मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा ट्विटर पर जो ट्वीट्स की संख्या थी दोस्तों वो 2 लाख से भी अधिक थी। जी हाँ दोस्त, एक बात और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो ट्रेंडिंग टॉपिक था, एक तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट डे, स्टूडेंट्स वांट यूपी पीआरटी, और दोस्तों दूसरे नंबर पर दोस्तों जो हमारा ट्रेंड किया आज, जी हाँ दोस्तों, यूपी डीएलएड को प्रमोट करने की बात आज यूपी में मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक पर था। उसके बाद कुछ और अपडेट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बात और आपको दोस्तों बता दें, जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग हो रहा था, जी हाँ दोस्तों, यूपी में अगर आप देखेंगे यूपी बेरोजगार दिवस, और उसके बाद देखिए यूपी बेरोजगार दिवस, जी हाँ दोस्तों, इसमें 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने ट्वीट किया, एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। 9 लाख से अधिक छात्रों का भैया विरोध यहाँ पर दर्ज कराया गया, और गाइस ये डीएलएड छात्रों की एक बड़ी जीत है। ठीक है, आज की डेट में आज हमारा टॉपिक जो भी था दोस्तों, डीएलएड को प्रमोट करने का मुद्दा, ये ट्रेंड हुआ। सिंपल सी बात है दोस्तों, आज हमारे योगी जी का जन्मदिन था, तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस सिंपल सी बात है कि आज बड़ी बड़ी मीडिया यूपी को कवर कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने देखा जरूर होगा। जी हाँ, आप इस टॉपिक को देखिए भैया, देश भर में ये ट्रेंडिंग पर था आज, यूपी बेरोजगार दिवस। 8 लाख से ज्यादा ट्वीट हुआ था 4 घंटे पहले, फिर उसके बाद दोस्तों 3 घंटे पहले पता चला कि 9 लाख से ज्यादा ट्वीट हो गया। उसके बाद देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, ठीक है, छात्रों ने ट्विटर को बनाया हथियार। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर आम बेरोजगार प्रशिक्षु के द्वारा देशव्यापी ट्विटर अभियान चलाया गया, जिसमें बेरोजगार शिक्षित टेट पास प्रशिक्षु बढ़ चढ़कर भाग लिया और शिक्षक भर्ती की मांग योगी आदित्यनाथ से किया। 5 जून को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस को बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने बेरोजगार दिवस मनाने का ऐलान किया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने अनएम्प्लॉयमेंट डे, स्टूडेंट्स वांट यूपी पीआरटी, उत्तर प्रदेश में नंबर वन व भारत में दोस्त इसको ट्रेंड कराया, जिसमें बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने लाखों की संख्या में ट्वीट किए और सरकार से भर्ती की मांग किया। तो गाइस सरकार प्राथमिक विद्यालयों में 1,73,795 पद रिक्त होने के उपरांत भी भर्ती नहीं करे। जी हाँ दोस्तों, मतलब सोचिए सरकारी स्कूलों में कितने पद खाली हैं, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद का हलफनामा भी लगा चुकी है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद अभी भी खाली हैं। इन सभी पदों को जोड़कर एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षु सरकार से कर रहे हैं। युवा बेरोजगार के संस्थापक राकेश पांडे उर्फ बंटी पांडे का कहना है कि सरकार द्वारा पिछला सुपर टेट का आयोजन 6 जनवरी 2019 को किया गया था, अब 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी सुपर टेट का विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है। ठीक है, जबकि दोस्तों सरकार ने यह दावा किया था कि हर वर्ष सुपर टेट का आयोजन होना सुनिश्चित है। ये दोस्तों सरकार का सबसे बड़ा झूठ आपके सामने हम रख रहे हैं। इन्होंने क्या बोला था कि हम हर साल सुपर टेट का पेपर कराएंगे। ठीक है, अब इस समय आप देख रहे होंगे भैया, जो टीईटी का था वैलिडिटी इसको लाइफ टाइम कर दिया गया। ये दोस्तों लॉलीपॉप है एक तरह से। ठीक है, ये नौकरी दे नहीं रहे हर साल, और इसको लाइफ टाइम करने से हमें क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं है। जब तक दोस्तों आप टेट का पेपर हर साल नहीं देंगे, तब तक आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं बनेगी। अगर आप ये कहें कि 2021 में हम टेट पास कर लें, उसके बाद अगर 2030 तक वैकेंसी ना आए तो हम बैठे हैं, क्योंकि देखिए बीच में आपका डीएलएड भी कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ तो होगा तभी तो आप टेट में जा पाएंगे ना। यह सरकार का दावा खोखला साबित हो रहा है। अभ्यर्थी एवं उनके परिवार वाले परेशान हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कुछ पता नहीं चल रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी खामोश हैं, इसलिए बेरोजगार प्रशिक्षु की गुहार को सुना जाए एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो गाइस आज यूपी में एक बड़ा अभियान चला है, ठीक है, छात्रों की एक बड़ी जीत है। अब देखिए सरकार भले हमारी बात ना सुने, लेकिन होता क्या है ना कि हमने बात अपनी सरकार तक पहुंचा दी। ठीक है, एक बात और आपको दोस्तों बता दे, आप ये देख रहे होंगे दोस्तों यूपी बेरोजगार दिवस, जी हाँ दोस्तों, शाम तक ये ट्रेंडिंग पर चल रहा था। सोचिए लगातार गाइस, बेरोजगार दिवस, यूपी मांगे यूपी पीआरटी। तो गाइस सुबह से लेकर शाम तक बच्चे लगे थे कि सरकार कुछ कह दे, योगी जी कुछ कह दे। अगर आप दोस्तों ट्विटर खोलेंगे तो कुछ बड़े ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट होते रहते हैं, लेकिन शायद वो हमारे ट्वीट को अनदेखा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे मोबाइल पे शो होता है, यार ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो बच्चे ट्विटर चलाते हैं, वैसे पूरे देश में ये शो करता है कि इस समय देश में क्या ट्रेंड हो रहा है। लेकिन होता है क्या ना कि उनको हमारी बात सुननी ही नहीं है, कि बच्चे कितने भी मतलब हल्ला कर दें, हमें देखना ही नहीं। जैसे अगर आपने किसान का आंदोलन देखा होगा, ठीक है, कितने महीने से चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को, ठीक है, कुछ नहीं। 2022 में दोस्तों चुनाव आएगा, उस समय देखा जाएगा कि सरकार हमारे लिए क्यों ऑफर लाती है। जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आज जारी नहीं हो रहा, उस समय आप देखिएगा धड़ल्ले से विज्ञापन आएंगे, जहां जहां पद खाली होंगे, चाहे लेखपाल की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 साल से आप सुन रहे होंगे कि लेखपाल की वैकेंसी आएगी, नहीं आ रही है।
सब कुछ आएगी, खाली आप चुनाव आने दीजिए। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में ये थी कि डीएलएड छात्रों का भविष्य क्या है। आज डीएलएड छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दोस्तों फेल छात्रों को भी प्रमोट करने की मुहिम चलाई गई कि डीएलएड में जो बच्चे फेल हैं उन बच्चों को भी प्रमोट किया जाए, हर हालत में किया जाए, नहीं तो फेल बच्चों का भविष्य क्या होगा। ठीक है, ये सब देखिए दिक्कतें हैं, अगर फेल छात्रों को ये प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर बच्चों का भी तो नुकसान होगा यार। अब इन बच्चों का बताइए, 2019 बैच के छात्रों से ये कहा जा रहा है जो बच्चे फेल है जिनकी संख्या 70,000 से भी अधिक है उनको अपना फर्स्ट सेमेस्टर पेपर देना पड़ेगा। समझिए इस बात को, ठीक है, क्या होगा इन बच्चों का भविष्य। और काफी बच्चे दोस्त इस समय औसत निकाले, एवरेज निकाले, ठीक है, एक बात उनको बताना चाहेंगे। पहली बात दोस्तों, हमारा जो प्रमोट का शासन आदेश उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आप फेल होंगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रमोट का शासन आदेश आप डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसके माध्यम से आप उसको देख पाएंगे। और एक बात और बताते गए, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं यार कि चलो हमारा औसत निकाल कर देख ले हम पास हो रहे हैं कि नहीं। अगर दोस्तों हम औसत की ही बात करें तो 18 बैच के छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई थी, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड में पास थे दोनों में उन्हीं बच्चों को सिर्फ प्रमोट किया गया, बाकी जिन बच्चों की एक भी विषय में बैक थी उस समय ये औसत के आधार पर भी प्रमोट नहीं किए। तो गाइस इनकी बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, हो सकता है कि अगर आप विश्वास कर ले, नहीं यार हम तो सब तो प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है हमारा भैया औसत 50% से अधिक बन रहा है हम प्रमोट हो गए, क्योंकि डीएलएड की पासिंग मार्क 50% होती है लगभग, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सभी लोग अपना बना रहे हैं। देखिए हमारा टोटल 7 सब्जेक्ट था, 4 सब्जेक्ट 25-25 नंबर का था, ठीक है हमारा, तो वो हो गया हमारा 100 नंबर, बाकी दोस्तों 3 सब्जेक्ट हमारा 50-50 का था वो 150 नंबर, जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 250 नंबर हो गया, बाकी 100 नंबर की इंटर्नशिप थी इसको भी और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 350 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये एक्सटर्नल की बात हो रही है, सभी बच्चों ने इसका 50% निकाले, इतने आगे तो हम पास हैं। तो गाइस यही 2018 बैच के छात्रों के साथ हुआ है, तो जल्दबाजी मत करिए जब तक दोस्तों हमारा प्रमोट का नियम क्लियर नहीं होता, ठीक है। अभी पीएनपी की तरफ से कोई भी लिखित आदेश नहीं आया है क्योंकि तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा, सभी बच्चे अपनी संभावनाएं ये तरीका लगाएंगे। कुछ दिन पहले कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप एक भी विषय में फेल हैं तो आपको प्रथम सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ेगा, समझिए इन सब बातों को गाइस। तो अभी जल्दबाजी है और अगर आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे, जैसे अगर आप ट्वीट्स की संख्या देखें तो पिछले दिनों के हिसाब से काफी कम है, कुछ दिन पहले दोस्तों आपने देखा होगा 6 लाख से भी ज्यादा ट्वीट्स हुआ था। तो गाइस आज हमारा ट्वीट्स इतने कम कैसे हुआ इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस समय दोस्तों बच्चों में एक उत्साह अलग लेवल का था कि फेल छात्रों को भी लग रहा था यार हमें थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, सीधे हम फोर्थ की तैयारी करेंगे। फेल छात्रों के साथ नाइंसाफी ये कि फेल छात्र आज की डेट में उनको ये नहीं पता कि फर्स्ट का पढ़े, सेकेंड का पढ़े बैक वाला, कि थर्ड का पढ़े कि फोर्थ का पढ़े, कौन सा पेपर होगा भगवान जाने। तो गाइस यहाँ पर सरकार को आके बताना चाहिए कि आखिर कौन से सेमेस्टर का पेपर होगा, पीएनपी तो कुछ क्लियर कर नहीं रही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि कल न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ बड़ी अपडेट्स आएंगी, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आज दोस्तों दिन भर का क्या रहा, दोस्तों ट्विटर पर लिखा जोखा वो हमने सामने रखा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो हमारे देश में ट्रेंडिंग हुई वो यूपी बेरोजगार दिवस था, जो कि लगभग 1 मिलियन के करीब छात्रों ने ट्वीट्स किया। ये देखिए शाम तक दोस्तों यूपी बेरोजगार दिवस ट्रेंड हो रहा था, प्रमोट यूपी डीएलएड वाला भी टैग काफी ज्यादा वायरल था, लेकिन उस हिसाब से दोस्त इस बार सपोर्ट नहीं मिला जो लास्ट टाइम था, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, और गाइस अभी संभावनाएं काफी हैं कि किनको प्रमोट होंगे कौन नहीं होगा, तो फिलहाल जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। 50% अगर आपका आ गया औसत आप पास है तो अच्छी बात है, लेकिन साधना देश हमने आपके सामने इसलिए रखा था कि वहां पर कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि अगर आप फेल हैं तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, वहां पर ये लिखा है दोस्तों कि आपके औसत अंक के आधार पर आपको प्रमोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि अगर आपकी एक विषय में बैक है तो आपको फिर से आके फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, ये बात को समझ लीजिए। चलिए हम पहले साधना देश को भी एक बार सामने आपके रखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा साधना देश, और देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों देखिए, प्रशिक्षुओं के द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे, जिसकी परीक्षा मार्च 2020 में प्रस्तावित थी। जी हाँ दोस्तों, पहले आपका पेपर मार्च में होने वाला था, कोरोना आ गया, पेपर उसमें टल गया था आपका, फिर पेपर वही जाकर देर से हुआ था, ठीक है ना, लेकिन देखते हैं क्या होता है दोस्तों। फिलहाल आपका पेपर अक्टूबर में गया था, और जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग परीक्षा की अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर तरीके से करिए, ठीक है, और जो भी अपडेट्स आएंगे डीएलएड हर एक सेमेस्टर की अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। परीक्षा में
कतई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपका नुकसान होगा। ठीक है, प्रमोट नियम दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि पीएनपी जल्द से जल्द प्रमोट का फार्मूला जारी करें। बाकी हम लोग बता दिया भैया, 50% आप अपना निकाल कर देख लीजिए, उतना हो रहा है तो आप पास हो सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, आप सेकेंड में फेल हो रहे हैं। जितना भी दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है, इनको ये कर देना चाहिए कि अगर कोई बच्चा सेकेंड सेमेस्टर में 90% पा रहा है, भले उसकी दोस्तों एक विषय में बैक, एक विषय में वो फेल हो गया, तो उसका फर्स्ट का भी रिजल्ट 90% बनाकर एक में फेल कर दें। बाकी फर्स्ट का एक पेपर, मतलब जो पेपर रहेगा उसका बैक पेपर बच्चा दे देगा, और थर्ड का भी अपना पेपर या फोर्थ में जो भी प्रमोट करेंगे उसका दे सकता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ा, तो वो बच्चा एक समय में फर्स्ट के साथ थर्ड या फोर्थ का पेपर नहीं दे पाएगा। इस बात को जरा लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर पेपर देना पड़ा, तो सिंपल सी बात ये भी है कि आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट 100% कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और नई भर्ती दोस्तों बहुत ही जल्द आ सकती है, यूपी बेरोजगार दिवस देश भर में ट्रेंड हुआ। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।